आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड ना सो अब वो क्वेश्चन इज हमें ये बताना है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हमें ये बताना है इन फॉलोइंग में से तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती है तो उनको क्या बोलते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं तो अब अब मैं नंबरिंग दूं तो ये मेरा फर्स्ट नंबर ये सेकंड ये थर्ड वन ये फोर्थ वन ये फिफ्थ वन ये सिक्स वन ये सेवन वन और ये एट वन सो बॉइलिंग पॉइंट अब बॉइलिंग पॉइंट अब मेरे को एक बात बताया यहाँ पे हम अगर सपोज़ हम एक किलो मतलब एक लीटर एक किलो नहीं सब, हम सपोज एक लीटर वाटर लेते चलो एक लीटर वाटर का एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज वन लीटर वाटर लेते हैं हम और या दस लीटर वाटर लेते तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है हमको पता है दैट इज़ फिक्स है हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड दैट मीन्स मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है कितना भी मास लीजिए मास पे डिपेंड नहीं करता है तो ये क्या है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है सेम मेल्टिंग पॉइंट जैसे एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है दैट इज सिक्स इतना होता है तो वो क्या करता है वो फिक्सड है वो क्या करता है दैट इज़ वो चेंज नहीं होता है हम एक टन एल्यूमिनियम ले या एक, एक के जी ले उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है सेम रहता है सो दिस इज़ ऑल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी अब हीट कैपेसिटी की बात करें तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा दैट इज हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला अगर देखें तो वो होता है दैट इज डेल्टा तो ये होता है हीट कैपेसिटी तो मतलब लाइक अगर हम देखते हैं तो हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करता है सो so, ये हमारा क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वॉल्यूम भी मास पे डिपेंड करता है क्योंकि हम क्या बोलते हैं दैट इज डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम सो वॉल्यूम को अगर इधर भेजे तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होगा मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा दैट डिपेंड अपॉन मास सो so, ये भी क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एनथेल भी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि एनथेल बी भी, भी क्या है मास पे डिपेंड करता है और सिक्स वन मास तो खुद ही एक मतलब मास पे डिपेंड करता है तो ये भी क्या है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इंटरनल एनर्जी ये भी क्या है दैट इज़ डेल्टा यू ये भी क्या है अगर डेल्टा एच हमारा क्या है मास पे डिपेंड करता है तो डेल्टा यू भी मास पे डिपेंड करता है सो so, ये भी क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और मोलर वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम क्या है एक इंटेंसिव so, है है, तो प्रॉपर्टी जो कि मास पे डिपेंड नहीं करती है क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही है करें डाउट करिए डाउट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर